बृजेश पाठक ने अपर सीएमओ को किया निलंबित। डिप्टी सीएम बृजेश पाठक ने दी ट्वीट कर इस बात की जानकारी। अपर सीएमओ ने पिस्टल से किया था फायर, बीजेपी नेता पर पिस्टल से फायर करने का आरोप। पुलिस द्वारा पिस्टल छीनने का वीडियो सीसीटीवी में कैद। देवरिया जेल में बंद है डॉक्टर संजीव सिंह। जिले के कसिया थाने के कसिया कस्बे का यह मामला सामने आया है। अमेठी में अपर सीएमओ के पद पर तैनात था डॉक्टर संजीव सिंह, जिस पर अब कार्रवाई की है और जिस बात की जानकारी डिप्टी सीएम बृजेश पाठक ने ट्वीट कर दिया है। होमा में आपसे विवाद में दो शिक्षक निलंबित। विवाद में शिक्षक कार्य हो रहा था बाधित। लंबे समय से चल रहा था विवाद, जिसके चलते शिक्षा कार्य जो है वो बाधित हो रहा था। ग्रामीणों ने मामले में बीएसए से शिकायत की थी। कबरई के भौरागंज श्रीनगर का यह मामला सामने आया है, जहां पर दो शिक्षकों को निलंबित किया है। शिक्षकों की आपसी लड़ाई के चलते शिक्षा कार्य जो है वो बाधित हो रहा था। वर्षा से काबिज लोगों को खाली करने पड़ेंगे अपने आशियाने। पीडब्ल्यूडी ने सैकड़ों लोगों को जारी की नोटिस। सड़क के चौड़ीकरण को लेकर यह नोटिस जारी की गई है। लोगों में दिखी नाराजगी, जिला प्रशासन से गुहार लगाई है। भदोखर थाना के लोक निर्माण विभाग द्वारा लगभग सैकड़ों परिवारों को एक नोटिस दी गई है। आपको बता दें कि नोटिस के जरिए उनकी दुकानें व मकानों को खाली कराने की बात कही गई है। यह नोटिस रायबरेली के मुंशीगंज से दरियापुर को जाने वाली मार्ग तक के लिए जारी की गई है। ये वही मार्ग है जहां पर नोटिसें चस्पा की गई है बाकायदा, और ये कहा गया कि आप लोग जो अवैध अतिक्रमण किए हैं उसको खाली कर दें, नहीं तो प्रशासन द्वारा अवैध अतिक्रमण को हटाया जाएगा। ये नोटिस है जो बाकायदा जारी की गई है। नोटिस भी हम आपको दिखाएंगे किस तरह से लोक निर्माण द्वारा ये नोटिस जारी की गई है, और बाकायदा बताया गया कि इस नोटिस के जरिए कि आप लोग जो अवैध अतिक्रमण किए हैं उसको खाली कर दें। आपको बता दें कि अवैध अतिक्रमण किसकी बात की जा रही है। लगभग जो है सैकड़ों वर्ष से ये लोग यहाँ पे निवास कर रहे हैं। पीछे ये मकान दिखाना चाहेंगे हम, इन्हीं मकानों में लोग रह रहे हैं, इन्हीं पे अपना व्यापार भी कर रहे हैं, लेकिन इनको खाली कराने के नोटिस आने के बाद इन लोगों में हड़कंप का माहौल देखा जा रहा है। इन्हीं से जानेंगे आखिर नोटिस के जरिए लोगों से क्या कहा गया है। दादा, नोटिस के जरिए क्या बोला गया आप लोगों से कि खाली करो सब? ये कब से आप लोग यहाँ पे काबिज हैं? अरे कम से कम 30 साल हो गए हमको। अचानक नोटिस आ गई खाली करना पड़ेगा, तो कहाँ जाएंगे आप लोग? कुछ समझ में नहीं आता बाबूजी, कहाँ जाएंगे? और भी कुछ लोग, इनसे भी जानेंगे क्या वो नोटिस में क्या बोला गया आप लोग? नोटिस में हम लोगों से सर यही कहा गया कि आप लोग खाली करिए, जबकि हम लोग यहाँ सैकड़ों वर्ष से हैं। हमारा 70 वर्ष का पुराना मंदिर हुआ है, तो कहाँ, जब खाली करना पड़ेगा तो कहाँ जाएंगे आप लोग? कैसे व्यापार होगा? अरे व्यापार कहाँ सर हो पाएगा, हम लोग आत्महत्या के लिए मजबूर हो जाएंगे। क्या लग रहा, कैसे आप लोग व्यापार करेंगे? आप जब बंद हो जाएगा तो हम लोग व्यापार क्या कर पाएंगे भाई? नहीं, ये जो नोटिस जारी की गई है जी, तो नोटिस के जरिए ये तो कहा गया आज प्रशासन द्वारा खाली करिए कह गए हैं। तो क्या आप लोग अवैध अतिक्रमण किए हुए हैं? एक कस्ते नहीं, हम लोग पुराने हैं ना, पुराना कब्जा है हम लोगों को। रोहित मिश्रा, भारत समाचार, रायबरेली। संवाददाता रोहित हमारे साथ जुड़ चुके हैं। रोहित, ये क्या कुछ पूरी नोटिस दी गई है जो कब्जा है उसको खाली कराने के लिए? जी बिल्कुल, मैं बताना चाहूंगा, पीडब्ल्यूडी विभाग के द्वारा ये आदेश पारित किया गया है। बकायदा जो है लगभग 125 ऐसे भूखंड स्वामी है व दुकानदार है, उनको नोटिस दी गई है ताकि वो अपना जो है भूखंड वहाँ उसको खाली कर सके और दुकानों को हटा सके। बताए और उसका हवाला दिया जा रहा है कि जो सड़क है मुंशीगंज से एम्स हॉस्पिटल को जाने वाली सड़क, उसको जो है चौड़ीकरण किया जाए। तो कहीं ना कहीं जो वहाँ पे पहले वर्षों से वहाँ पे जो स्थायी रूप से निवास कर रहे हैं, जो उनका स्थायी मकान बना हुआ है, जो वहाँ पे उन्होंने व्यापार उनका संचालित हो रहा है, उनको खाली करने की नोटिस जैसे ही जो है दुकानदारों को या उनके जो आवास मालिकों को उनको मिली है, उनमें हड़कंप का माहौल देखा जा रहा है। वो जिला प्रशासन से गुहार लगा रहे हैं अब कि जो है हम लोगों को एकाएक इस तरह से खाली मकान और दुकान ना खाली कराइए, जिससे हम लोग का ना सिर्फ व्यापार चौपट हो जाए, बल्कि भीषण ठंड में हम लोग जो बेघर हो जाए। अब देखने वाली बात होगी आखिर जिला प्रशासन इसको किस नजरिए से लेता, क्योंकि पीडब्ल्यूडी विभाग द्वारा जारी नोटिस के बाद जरूर सैकड़ों परिवारों के सर पर जो है साया मंडराने लगा है, संकट का साया मंडरा रहा है, उनको अब कहाँ पे जाएंगे, ये सारी दिक्कतें उनके जो जहन पे जरूर आ रही है। अब जिला प्रशासन आखिर उनको कैसे सहूलियत देता है,
किस तरह से जो वो अपने मकान खाली करेंगे, उनको किस तरह से समझाने बुझाने का काम करता है, क्योंकि सड़क चौड़ीकरण भी होना आवश्यक, क्योंकि आए दिन जाम के जाम से भी लोगों को जो दो चार होना पड़ता है, तो इन लोगों को कैसे समझाता है, कैसे ये लोग अपने जो अपना मकान उसको खाली करते, कैसे दुकान खाली करते, या फिर इसका कोई बीच का रास्ता जिला प्रशासन निकालता है, ये इन सब मांगों को लेकर सब गुहार जिला प्रशासन से लगा रहे हैं। बिल्कुल, तमाम जानकारी के लिए आपका शुक्रिया रोहित।